के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही सर, आज एक बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, जब नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसको कैसे देखते हैं? ये अपने में एक महत्वपूर्ण घटना है कि कोई रूलिंग पार्टी विदाउट इनकम्बेंसी फैक्टर के और इतनी बड़ी तादाद में अपने सांसदों को जीत करके ले आए, ये हमारे नेतृत्व की बहुत बड़ी सफलता है। और शानदार आज का दिन जो है वो अपने में एक ऐतिहासिक दिन है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत की प्रचंड बहुमत के साथ अपनी दूसरी पाली को खेलने जा रहे हैं। और देश हमारा पिछले यात्रा के दौरान आगे की ओर बढ़ा है और अब उसको और ज़्यादा गति मिलेगी, जो योजनाएं बनी हैं उनके ठोस परिणाम इस अगले 5 साल के भीतर आएंगे और उसके नतीजे सामने आएंगे, जो जनता के हितों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम होगा। सर, कैबिनेट को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है, उत्तर प्रदेश को कितनी वरीयता दी जा सकती है, चूंकि सबसे बड़ा स्टेट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चुन के आए हैं और महागठबंधन को हरा के आए हैं? उत्तर प्रदेश में या देश के भीतर बंगाल से भी जीत करके आए हैं तो अपने में महत्वपूर्ण है, उड़ीसा से जीत करके आए हैं तो भी महत्वपूर्ण है, तो उत्तर प्रदेश को भी एक संतुलित मात्रा में भागीदारी मिलेगी। और ये आज कोई इसके लिए ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न ये है कि देश के भीतर एक अच्छा मंत्रिमंडल बनने जा रहा है और पूरे देश की अखंडता को देखते हुए सबकी समान ढंग से भागीदारी मिलेगी, ये हमारा नेतृत्व तो उसमें उसको सुनिश्चित कर रहा है। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन राहुल के साथ पुष्कर, भारत समाचार, दिल्ली।